Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi kareem. Amma ba'd. Muhtaram samiin kiram. जब यजीद बलीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बुलाकर कूफा और बसरा का आमिल मुकर्रर कर दिया और ताकीद कर दी कि जो हमारी बैत से इनकार करे उसका सर काट कर रवाना करे, इस फरमान ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बाग बाग कर दिया, उसके हौसले बढ़ा दिए। वो उछलता कूदता हाकिम की हैसियत से कूफा रवाना हो गया। भागम भाग बसरा और फिर कूफा पहुंचा। यहाँ कूफियों का कासिद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खत अहले बसरा के नाम लाया था और बसरा वाले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत को तैयार थे। उबैदुल्लाह ने फौरन कासिद को गिरफ्तार किया और खत कब्जा में किया। रातों रात यजीद का एक हुक्म मजीद उबैदुल्लाह के नाम पहुंचा कि इमाम हुसैन और मुस्लिम कूफा पहुंच गए हैं, जिस कदर जल्द मुमकिन हो बैत की इत्तला या सर रवाना कर दो। उबैदुल्लाह अलस्सबाह एक जलसा मुनाकिद किया और अहले बसरा से कहा, तुम लोगों को अव्वल तो मालूम होगा और अगर नहीं मालूम तो अब मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, उस बाप का बेटा हूँ जिसके नाम से आसमान और जमीन थर्राते हैं, उसका लड़का हूँ जिसकी तलवार ने खून के परनाले बहा दिए, उसकी शुजात और उसने इंतजाम का डंका एक आलम में बज रहा है। तुम अच्छी तरह समझ लो कि रहम मुरव्वत दरगुजर और रियायत हमारे खानदान में छू तक नहीं गुजरी, मुझसे कोई तवक्को कायम नहीं करना। मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हूँ, मेरी तलवार जिस वक्त मयान से बाहर हुई तो इंसानी खून को चाटे बगैर मयान में नहीं आ सकती, चुनांचे इस वक्त भी तुम इसका तमाशा देखोगे। तुमने सुना होगा कि अली का हुसैन बागी हो गया और उसने यजीद के खिलाफ खुरूज किया है। मुझे तुम सब की बैतों का हाल मालूम है और मेरी फौज कादसिया में मौजूद है जो अब आती ही होगी। तुम सब के खून की प्यासी है, मैं बिन ज़ियाद हूँ और चश्मे सदन में तुम सब को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम सब जो मुजरिम की हैसियत से मेरे सामने हो और बैत का जो हकीकतन बगावत है जुर्म किया है, पनाह देता हूँ जिस कदर मुमकिन हो मुस्लिम को मेरे हवाले करो, अमन अमान से रहो और याद रखो कि अगर हुसैन की बैत का नाम किसी घर से बुलंद हुआ तो उसे मिसमार कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, किसी जबान से सुना तो हलक से जबान निकाल लूंगा और किसी शख्स ने कहा तो टुकड़े उड़ा दूंगा। फिर उसने मकरू फरेब किया कि अपने गुलाम माकल को कुछ रुपया पैसा देकर कासिद की पोशाक पहनाई और हानी के घर भेजा कि बसरा से इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नजराना और बैत का हलफ लेकर आया हूं। बेचारे हानी उसके दांव में आ गए और फर्जी कासिद को हजरत मुस्लिम बिन अकील तक पहुंचा दिया। गुलाम पता लगाकर वापस आया और मुफस्सिल कैफियत बयान की तो हानी के घर पर मुस्लिम के बयान का यकीन होते ही उबैदुल्लाह सांप की तरह सर धुनने लगा, सारी रात अंगारों पर लोट पोट कर काटी। अभी मुअज्जिन की अजान खत्म न हुई थी और तायराने सहराई सुबह के इस्तकबाल में मुनहमित थे कि उसने फौज के एक दस्ता को हुक्म दिया कि हानी को बाबजूला हाजिर करो। दस्ता सीधे मस्जिद में पहुंचा, उधर हानी ने सलाम फेरा, इधर जमीयत ने हानी के पांव में बेड़ियां डाल दी
और उबैदुल्लाह के पास ले गए। वो एक मोटा आसा जिसकी दोनों शाखें लोहे की थी फिरा कर कहने लगा, ओ नमक हराम, मेरी कल की तकरीर भूल गया। मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुस्लिम को पनाह देने वाले के साथ उसके घर भर को तहे तहक कर दूंगा। मेरे बाप ज़ियाद ने जिस वक्त कूफा में कत्ल आम किया है और अमीर मुआविया के बागियों को चुन चुन कर खाक में मिलाया, तो तेरा बाप कदमों में गिरा और कसम खाई कि हम बनू फातिमा का साथ ना देंगे। अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो सबसे पहले तेरी बोटियां चिलकवों को देता। उस नेकी का बदला ये है कि मेरे ऐलान के बाद भी तूने खलीफा के दुश्मन बागी को अपने घर में बना दी। मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा जो तमाम कूफा वाले देखेंगे और तमाम कूफा वाले याद रखेंगे। ये कहकर उबैदुल्लाह ने अपना आसा हानि की नाक पर मारा और दांत पीस कर कहा, इस बागी को अभी कैद करो। लोहे की शाखों से हानि की नाक का पांसा टूट गया और चेहरा लहूलुहान हो गया। हानि को कैद खाना भेज कर इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को हाजिर करो। हानि की गिरफ्तारी और कैद की खबर कूफा में बिजली की तरह दौड़ गई और बाद हलकों में उनके कफल का यकीन हो गया। हजरत को जब यह खबर लगी तो बावजूद इंतहाई तहम्मुल और हिल्म के हाशमी खून जोश में आ गया और वो तलवार लेकर बाहर निकले कि हानि का बदला लें और खुद भी शहीद हो जाए। इस मौका पर सिर्फ कबीला बनी हानि के लोग उनके साथ हुए और 5000 के करीब ये मजमा दारुल अमान पर पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने उन लोगों को आते देखकर दरवाजे बंद कर लिए और तीरंदाजी शुरू कर दी। कूफिये देखकर ऐसे भागे के पलटने का नाम न लिया। मजबूरन मुस्लिम भी थके हारे भूखे प्यासे एक तरफ चल खड़े हुए। असर की नमाज रास्ता में अदा की, उधर देखा तो एक औरत जिसका नाम तौआ था टिकटिकी बांधी देख रही थी। उससे कहा कि मैं प्यासा हूँ, दो घोंट पानी पिला दे। तौआ इश्क़े रसूल में शराब और अहले बैत के नाम पर फिदा थी, पानी लाई और दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं। सूरत शक्ल और हालत से मालूम होता है कि आप कोई परदेसी है। यहाँ कल से इफरा तफरी हो रही है और इब्ने ज़ियाद ने गली कूचे पर हजरत मुस्लिम के वास्ते पहरे लगा रखे हैं, ऐसा ना हो कि आप पर भी कोई मुसीबत आ जाए। उसकी बातों में खुलूस और मोहब्बत के जवाहरात जगमगा रहे थे। आपने फरमाया, मुस्लिम मैं ही हूँ, अगर तू पनाह दे तो रात तेरे यहाँ गुजार दूं, सुबह उठकर मदीना चला जाऊंगा। मुस्लिम का नाम सुनते ही तौआ के हराज पर खुशी की बारिश होने लगी। आजिजी से कंधे झुका दिए और जोश बेखुदी में उछल कर कहा, तौआ और उसका घर आप पर कुर्बान, मेरे नसीब ऐसे कहा कि आपके कदम आए। बिस्मिल्लाह कीजिए। मेहमान का इस्तकबाल तौआ दिली उमंगों से कर रही थी। बस न चलता कि आंखें पिछाती और परवाना की तरह कुर्बान हो जाती। आधी रात का वक्त था कि उसका लड़का दरबारे उबैदी से झूमता थामता घर पहुंचा। माँ ने बाग बाग होकर कहा, हमारे मुकद्दर ऐसे कहा कि हजरत मुस्लिम तशरीफ फरमा हो, कदम चूम और कुर्बान हो कि किस्मत जाग गई। बेटा निहाल निहाल हो गया। एक मेहमान के वास्ते तौआ और उसके लड़के के दिल खुशियों से लबरेज थे, मगर दोनों की मुसर्रत और खुशी मुख्तलिफ थी। तौआ अपने घर को देखती और मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को और बेख्तियार होकर कदमों पर गिर पड़ती थी। उसका लड़का तारे गिन गिन कर रात काट रहा था कि किस तरह जाऊं और इब्ने ज़ियाद को मुस्लिम की खबर देकर इनाम हासिल करूं। दुआ को बेटे के जाने का हाल उस वक्त मालूम हुआ जब उबैदी दस्ता ने आकर मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया और इब्ने ज़ियाद के हुक्म से वो भी हानि के साथ कैद किए गए।
کوفیوں کے دل میں اس خبر سے ایک دفعہ اور جوش پیدا ہوا اور 2000 آدمیوں کا ایک گروہ دارالحکومت پہنچا۔ دروازے بند تھے، ابن زیاد نے حکم دیا کہ سب کو تیروں سے چھیک دو اور مسلموں ہاڑی کے سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ دفعتن دونوں سر زمین پر تڑپنے لگے۔ اس وقت عبید کا ایسا خوف طاری ہوا کہ کوفی گھروں کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ کوفہ کی سرزمین جس نے مسلم کا خون اپنی گود میں لے لیا اور آج ایک عجیب تماشا کا انتظار کر رہی تھی۔ طلائع شامیانہ مرصع تخت پر جگمگا رہا تھا، مکر و دغا کے دیوار کے خود بھی چمک رہے تھے اور ظلم و ستم کے جن ان کے سروں پر سوار تھے۔ چاروں طرف اکابر کوفہ اور سرداران فوج خاموش بیٹھے تھے اور سامنے رعیت کا ایک امبو کثیر موجود تھا۔ معقل نے ایک دشت میں کھجوریں پیش کی جو عبید اللہ بن زیاد کا غلام تھا۔ عبید نے اس میں سے تھوڑی سی لے کر درباریوں میں تقسیم کا حکم دیا۔ اس کے بعد بلند آواز سے کہا، میں نے جو کچھ کہا تھا اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ حانیوں مسلم بغاوت کی سزا پا چکے، ضرورت ہے کہ میں تم میں سے ان سب کو جنہوں نے دروازے حکومت پر حملہ کیا اس سے زیادہ سخت سے سخت سزا دوں، مگر اپنے رحم و کرم سے عفو کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن تم لوگ اچھی طرح سمجھ لو کہ کوفہ میں بغاوت کا نام بھی میں نے سنا تو گھر کے گھر صاف کر دوں گا۔ اگر یزید کی خلافت سے تم لوگوں نے انکار تو درکنار تعمل بھی کیا تو میری تلوار نافرمانی کا مزہ چکھانے کو کافی ہے۔ حسین ابن علی آنے والے ہیں، یاد رکھو اگر ایک شخص نے بھی ان کو پناہ دی یا ان کی طرف متوجہ ہوا تو اپنے سارے گھر پر بلا نازل کرے گا۔ عبید آگے کچھ اور کہتا کہ ایک عورت سر پر رداء ڈالے اٹھی اور کہا، ابن زیاد جس شیطان کی خبر ہم کو کلام الہی نے دی تھی وہ تو نے آنکھ سے دکھا دیا۔ اس نے خدا کی نافرمانی میں آدم کو سردانہ کیا، تو نے یزید کی فرما برداری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے آنسو رلوا دیے۔ تو اپنی طاقت کے بل اور گھمن پر مخلوق خدا کی زبان ممکن ہے بند کر دے، مگر کیا تو دلوں کی محبت اور عقیدت کو فنا کر سکتا ہے؟ ہمارے دل مسلم بن عقیل کو رو رہے ہیں اور تیرے اس ظلم پر اگر زبانوں سے نہیں تو دلوں سے لعنت برسا رہے ہیں۔ روسیہ ابن زیاد تو نے اپنے ساتھ میری عاقبت بھی برباد کی اور میں نہیں جانتی کہ میری خطا اور قصور کی کیا سزا ملے گی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور میرا دل کانپ رہا ہے۔ میں وہ بدبخت ہوں کہ میں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کی اور سید کو پناہ دے کر اس کی جان لے لی۔ ارے تو نے میرا دین و دنیا دونوں برباد کر دیا۔ زمین مجھ پر تھوکے گی، آسمان مجھ پر لعنت برسائے گا۔ دنیا جب تک آباد ہے اور اس کے لٹنے والے اور اس کے بسنے والے جب تک موجود ہیں مجھ پر تبرہ بھیجیں گے۔ یہ چادر جو پیوندوں سے جڑی ہوئی ہے اسی مسلم کی ملکیت ہے جس کی سچائی تیرے ظلم کی بھینٹ چڑھی۔ اس کو سر پر رکھوں، آنکھوں سے لگاؤں اور زندہ ہو جاؤں اگر مسلم کے ٹھہرنے کی۔ یہ میرا لڑکا جو تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے جس نے تجھ کو خبر کر دی، کاش میری آنکھوں کے سامنے پیوند زمین ہو جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر دیتا تو مجھے سرخرو حاصل ہو جاتی۔ ابن زیاد اللہ بتا دو مجھ کو مسلم شہید کی لاش کدھر ہے؟ تجھ سے زیادہ سنگدل ہوں کہ میں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کی اور بے گناہ مسلم کو اس لیے اپنے ہاتھ چھپایا کہ مخبری کر دی۔ اے ابن زیاد دل تڑپ اٹھتا ہے جب مسلم معصوم کی تصویر آنکھ کے سامنے آتی ہے، کس حسرت سے چاروں طرف دیکھتا ہوگا اور بے گناہ دل مجرو سیاہ کے واسطے کیا کہتا ہوگا۔
खुदारा मुझे कत्ल कर मेरी बोटियां चील कौओं को दे कि मेरे गुनाह की कुछ तलाफी हो सके, मेरे बेगुनाह शहीद की लाश लिल्लाह मुझे दे दे कि मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं। मुसलमानों पर रहम करो और बताओ कि जिस माँ के पेट से ऐसा नाहंजार बच्चा पैदा हुआ जो खुदा और उसके रसूल से दगा करे उसका क्या हश्र होगा। इस मामता में आग थी, इस गोद में नाग था, इन छातियों में जहर था, इस घर पर कहर था। इब्ने ज़ियाद उसके बाद उसकी बातों को न सुन सका और कहा तेरी जबान दराजी की ये सजा है कि मुस्लिम के साथ जो कुछ किया गया वो तेरे गुनाहगार बेटे के साथ किया जाए। ये कहकर अपने हाथ से उसकी गर्दन उड़ा दी।